ये गलत बात है ना, इधर इधर मैम इधर, ये गलत बात है ना। 23 तारीख तक कस्टडी में, तीन चार दिन। प्रॉब्लम क्या हुआ, कोई मुझे बता सकता है? अरुण कोई मुझे सच बता सकता है, हुआ क्या है? रिश्ते का कुछ फ्रॉड एड हुआ है। इधर का क्या प्रॉब्लम है? अरे इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन किसी को मालूम है सच्चाई क्या है? कोई बता सकता है क्या हुआ? अरे गूगल में दिखा क्या हुआ? पैसे का उलट फेर हुआ है इधर उधर। आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्या बोलने का? एडल्ट आपको लगता है कहीं से भी? नहीं नहीं, इधर शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड इतने बड़े बिजनेसमैन, अंबानी जी के लेवल के बंदे, राज कुंद्रा जी, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, दिस इज रॉन्ग। आप लोग को लगता है कहीं से भी उनको कोई फंसाने की साजिश कर रहा है? ये सब वसूली वाले काम है भाई, कौन हो सकता फंसाने के पीछे? जो भी इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, मॉडल लोगों ने भी बोला कंपनी उनकी है। अरे कंपनी उनकी हो सकती है तो वो कहाँ से? अगर अगर ऐसे देखे, ऐसे मैं 2-3 कंपनियों में मैं खुद जाती हूँ, है ना, मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे लड़कियाँ अपनी मर्जी से कुछ करती है, तो इसमें ऑनर का क्या कसूर है? इंस्टाग्राम जो है वो ऑनर कोई और है, और वहाँ पे कोई गंदगी करता है तो इसमें ऑनर का क्या कसूर है? ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। फेसबुक है, वहाँ पे भी कुछ लोग गंदगी करते हैं, तो ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, तो इसमें राज कुंद्रा का कहाँ से कसूर है? मैं टोटली शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के सपोर्ट में हूँ। अभी ये कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो वो इंक्वायरी में नहीं आता, क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी हैं, बिजनेस टाइकून है, इसलिए इंक्वायरी में आ गए अननेसेसरी बिना मतलब। तो लोगों को इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, आज नहीं तो कल वो घर पे आ जाएंगे, और उनकी जितनी इज्जत रिस्पेक्ट मिली है उनको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमारी पल पूरी को भी ऐसे फंसाया गया था अननेसेसरी का। कमान यार, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, रिस्पेक्ट एवरीवन, और मुझे जाने दो। कुछ ना कुछ आस्था हो रहा है बॉलीवुड में, बॉलीवुड में कुछ ना कुछ आते रहता। नहीं गलत है ना, बॉलीवुड वालों को ही पकड़ते हैं, कोई मंत्रियों को नहीं पकड़ता है। हॉलीवुड तो इधर है नहीं, तो थिएटर भी सब बंद है। हाँ फोटो चाहिए, आ जाओ फोटो लो, फिर ऑटो लेके निकल लो। अरे आ जाओ इधर लो, अरे दे दो सीज देंगे। हाँ ले लो, बैंक से है छोटा बैंक। अरे तो लोन पास करा लेंगे। लोन दोगे क्या मुझे? भाई तुम्हारे मास्क पहन पहन के ना कितना चपटा कैसे हो गया है ना? सच में हो गया ना मास्क पहन के? लेकिन कोई बात नहीं, नाक तो बन सकता है, जान तो जान जरूरी है ना। लोन जल्दी नहीं मिलता, लोन दे दो मुझे, लोन पास करा दो मेरा, मुझे लोन की सख्त जरूरत है। सब लोग आ गए क्या? अपना ही ले रहे हैं, ये इनको दे दो, ये ले लेंगे। आईफोन है क्या? जल्दी 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 भाई, इधर बहुत भीड़ लग गई है। चलो हो गया, पलट गए पलट गए मैडम। चलो बाय। फोटो नहीं आया उनका, आया नहीं फोटो, फोटो नहीं इनका, इनका फोटो नहीं आया। फोटो ले लो, पलट गया। नहीं नहीं वो क्लिक नहीं हुआ था, अभी आया। अरे बेटा वेट, चले आ गया। अभी मेरा नया वीडियो आने वाला है फाड़ू, कभी कभी। अभी तो मैं 23rd, 22nd, 23rd शूट कर रही हूँ मैं। हाँ कल्याण कल्याण आ रहे हो क्या? सब लोग गाड़ी बुक करा दो, मैं एक गाड़ी करा दो, मेरा पूरा दिन वीडियो शूट है, पूरा दिन मरते रहेंगे। 5-6 जोड़ी हॉट कपड़े, ठीक है, प्रोड्यूसर को बोल के गाड़ी बुक करा, एक दिन का करवा दो, एक दिन का स्लॉट पूरा करा दो। हाँ ठीक है, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ, ठीक है, चलो बाय। फाइनल डे में करूँ।